हेलो दोस्तों, टुडे स्टॉक मार्केट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक पर बात करने वाले हैं जिसका प्राइस की बात करते हैं फिलहाल में 165 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जब स्टॉक के प्राइस पिछले साल में 80 रुपये के अप्रोच में ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, उस समय से हम आप लोग को वीडियो बनाकर बोला था कि दोस्तों इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहिए, इसका प्राइस हमें फ्यूचर में बहुत ही आगे की तरफ देखने को मिलेगा। और इसका प्राइस हमें रफली 200 के आसपास हमें जाते हुए देखने को मिला था और वहाँ से हमें इस स्टॉक में बहुत अच्छा खासा हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों चलिए हम इस स्टॉक से रिलेटेड हम सारे इन्फॉर्मेशन देखेंगे, देन डिसाइड करेंगे कि इस स्टॉक की प्राइस हमें और कितना नीचे आते हुए देखने को मिलेगा और क्या हमें इस स्टॉक में और हमें खरीदारी करना चाहिए ताकि फ्यूचर में अच्छा खासा मुनाफा मिले। तो दोस्तों वीडियो शुरू से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। दोस्तों हम आप लोग से बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रकाश पाइप लिमिटेड की रिगार्डिंग। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में रफली 0.5% के आसपास का हमें करेक्शन देखने को मिला। हालांकि बात करेंगे पिछले 6 मंथ की, तो पिछले 6 मंथ में इस स्टॉक में रफली 41% का अभी भी हमें जंप देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करेंगे पिछले 1 साल की, तो पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने रफली 130% से अबव का अभी भी हमें यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करें सबसे अधिक दिनों की चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे इस स्टॉक ने 74% के आसपास का मुनाफा दिया है, जो कि स्टॉक 2019 में लिस्टेड होते हुए देखने को मिल रहा है और वहाँ से स्टॉक ने 74% का मुनाफा दिया। तो अगर बात करें इसका लॉन्ग टर्म की चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे हमें अपर ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक में हमें और कितना हमें गिरावट देखने को मिलेगा, उससे पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इस स्टॉक में कितना परसेंट का हमें खरीदारी होते हुए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में रफली 53% का शानदार तरीके से खरीदारी होते हुए देखने को मिल रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि फ्यूचर में डेफिनेटली हमें इस स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें रैली फिर से देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करेंगे इसका 52 लो एंड हाई का, तो स्टॉक 61 के ऊपर ट्रेड कर रहा था पिछले साल और वहाँ से स्टॉक रफली 200 के हाई बनाया है, जो कि काफ़ी शानदार है। वहीं बात करेंगे इसका फेस वैल्यू का, तो यहाँ पे हमें 600 रुपये देखने मिल रहा है। जो कि बात करें इसका क्वार्टर का रिजल्ट का, तो इसका क्वार्टर का रिजल्ट दोस्तों यहाँ पे जून क्वार्टर में यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट में यहाँ पे हमें जंप भी देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करें इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग का, यहाँ पे 41% का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करेंगे क्या प्रमोटर का शेयर कोई प्लेस भी है, तो यहाँ पे हम रफली 19% के आसपास में हमें यहाँ पे प्रमोटर का शेयर हमें प्लेस देखने को मिल रहा है, जो कि इस स्टॉक का सबसे बैड सिचुएशन यही है। दोस्तों वहीं बात करेंगे यहाँ पे रिजर्वेशन सरप्लस एंड डेट रिगार्डिंग, तो यहाँ पे जिस तरीके से हमें फिगर देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे रिजर्वेशन सरप्लस का हमें वाकई में बहुत शानदार तरीके से देखने को मिल रहा है और यहाँ पे एवरी ईयर जबरदस्त इंप्रूवमेंट के साथ में हमें यहाँ पे डेटा को देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करेंगे लॉन्ग टर्म ब्रोइंग का, तो लॉन्ग टर्म ब्रोइंग कोई खास है नहीं कंपनी के ऊपर, आप लोग देख सकते हो। वहीं बात करेंगे शॉर्ट टर्म ब्रोइंग का, तो शॉर्ट टर्म ब्रोइंग भी यहाँ पे कोई खास नहीं है, ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री हमें 100% देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करेंगे फिक्स एसेट का, तो फिक्स एसेट का फिगर भी हमें काफ़ी शानदार तरीके से देखने को मिल रहा है और यहाँ पे एवरी ईयर जबरदस्त इंप्रूवमेंट के साथ में हमें यहाँ पे फिगर को देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो यहाँ पे 32 करोड़ के आसपास का फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबसे बड़ी बात है कि एवरी ईयर जबरदस्त इंप्रूवमेंट के साथ हमें डेटा देखने को मिल रहा है। अगले 5 साल के लिए स्टॉक हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक का रिजर्वेशन सरप्लस काफ़ी एवरी ईयर जबरदस्त इंप्रूवमेंट के साथ हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक हमें 100% के आसपास का हमें रफली यहाँ पे डेट फ्री भी देखने को मिल रहा है। इसका फिक्स एसेट में भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ है और यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का फिगर भी हमें काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीमेंट के साथ में हमें देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक बहुत शानदार तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रफली 400 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। इनकी वेरी स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, इसलिए स्टॉक रिस्की है और रिस्क से ज़्यादा इसमें हमें रिवार्ड देखने को मिलता है हमेशा। दोस्तों बात करेंगे सेक्टर का पी रेशियो का, यहाँ पे 42.74 देखने को मिल रहा है, जो कि इस स्टॉक का पी रेशियो सेक्टर के पी रेशियो से काफ़ी निचले स्तर पे आप लोग देख सकते हो। ओनली 10 के अप्रोक्सिमेट फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि सेक्टर का पी रेशियो 42 है, तो इसका प्राइस हमें कितना अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है आप लोग देख सकते हो। अगले 5 साल के लिए स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से साबित हो सकता है, तो आप लोग चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को खरीद कर रख सकते हो। स्टॉक हमें यहाँ से काफ़ी शानदार तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करेंगे रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट का, तो जिस तरीके से हमें रेवेन्यू का फिगर यहाँ पर देखने को मिल रहा है वाकई में बहुत शानदार है। एवरी ईयर के चार पट हमें अपर ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। जो बात करें नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट का फिगर भी हमें काफ़ी शानदार तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करेंगे सेल्स का फिगर का, तो सेल्स का फिगर जून क्वार्टर में भी काफ़ी शानदार तरीके से देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करें पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग, तो जून क्वार्टर में सेल्स में हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। जो कि बात करेंगे नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट का फिगर हमें काफ़ी यहाँ पे शानदार तरीके से देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग का, तो यहाँ पे हमें 40% के आसपास का हमें होल्डिंग देखने को मिला है। जो कि बात करें FII की होल्डिंग की और DII की होल्डिंग की,
तो इस स्टॉक में हमें कोई खास हमें होल्डिंग नहीं देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग की, तो रफली 60% के आसपास का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डर पैटर्न की बात करते हैं, ये भी हमें ठीक ठाक लग रहा है। हालांकि बात करें यदि अगर इस स्टॉक में एफ आई और डी आई की होल्डिंग अच्छा खासा होता तो देन हमें बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इसका हमें शेयर होल्डर पैटर्न देखने को मिलता। दोस्तों बात करेंगे कि अगर इस स्टॉक के प्राइस में थोड़ा बहुत हमें करेक्शन होते हुए देखने को मिलता है तो इसका प्राइस कितना नीचे आ सकता है। दोस्तों बात करेंगे अगर यहाँ से, तो इस स्टॉक में मुझे लगता है कि इसका प्राइस हमें सीधे 145 के आसपास में आते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से पिछले एक साल में रैली दिखाया है स्टॉक ने, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करेक्शन हमें देखने को मिला है और थोड़ा बहुत और हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से इसका प्राइस रफली 145 से लेकर 150 के आसपास में आते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि बात करें जिस तरीके से इस स्टॉक में खरीदारी होते हुए देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली इसका प्राइस फ्यूचर में फिर से हमें 200 रुपये क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हालांकि बात करें तो वेरी स्मॉल कैप है, इसलिए स्टॉक थोड़ा सा हमें रिस्की भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।